SBS News, सच का साथी। अनशन रुलवाया हुआ है और जो इन शर्तों में रखा हुआ था ये कब तक पूरी की जाएगी? पंचायती राज ग्रामीण सहकारी संघ ने कल 23 अक्टूबर से घर में अनशन रखे हुए, इनका अनशन इस विश्वास से तोड़वाया कि हमारी सरकार कर्मचारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, शिक्षक प्रेरक हैं, रोजगार सेवक हैं, जो लोग भी उन सारे लोगों के लिए उनकी मांगों पर विचार करके और जो सहूलियत से काम हो सकता है उस पर विचार करके हमारी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। जैसे कि कुछ उससे बात हो भी चुकी है, आंगनबाड़ी हैं, होमगार्ड हैं, शिक्षा मित्र हैं, पीआरडी के जवानों का भी निर्णय हो रहा है, रोजगार सेवकों का भी निर्णय करीब करीब होने वाला है, आशा बहुओं का, आंगनबाड़ी का भी निर्णय हो ही गया है। तो ये इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी के लोग हैं उनकी डिमांड है कि ये तो हमारा पद नाम चेंज किया जाए, ग्राम सेवक रखा जाए या पंचायत सेवक रखा जाए, पंचायत सेवक रखा जाए, इस तरह का नाम जो सम्मानित नाम है वो रखा जाए। इसके अलावा जो है इनका पदोन्नति हो, सुपरवाइजर में या ग्राम पंचायत जो ग्राम सेवक होते हैं उनके पद पर इनकी पदोन्नति की जाए, इस तरीके की इनकी डिमांड। कुछ और छोटी छोटी डिमांडें हैं पेंशन की, इस तरीके की। इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊँगा टाइम लेकर, उनकी वार्ता करा करके कुछ कमेटी बनेगी, उस कमेटी में इन लोगों से वार्ता करने के बाद जो चीज़ें तय हो जाएंगी उसका विस्तार कराने का काम, कर्मी पेंशन को आप समाप्त करने का काम करें। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखंड प्रताप सिंह। मैं पूर्व सूचना के अनुसार, नोटिस के अनुसार 5 अक्टूबर को जिले पर मैंने धरना किया था और 23 अक्टूबर को मैंने नोटिस दिया था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना हम करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। हम कल से अपने साथियों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ अनवरत कल से ही यहाँ बैठे हैं। हमको विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए उनके प्रतिनिधि, यहाँ के सांसद श्री कौशल किशोर जी हम लोगों के बीच आए और उन्होंने यह आश्वस्त किया हम लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और आपका अनशन खत्म कराने के लिए आपकी जो 8 सूत्री मांग है उसको हम पूरा कराएंगे, माननीय मंत्री जी से आपकी वार्ता कराएंगे, वार्ता करा के आपकी जो भी मांग है वो हम पूरा कराएंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय सांसद जी अगर इस बात को कहे हैं तो निश्चित है कि हमारी मांग पूरी होगी, चूँकि 2019 में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, हम 1 लाख कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं। ये लगा माननीय सांसद जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2019 में 1 लाख कर्मचारी अगर हमारे विरोध में आ जाएंगे तो निश्चित है मेरा नुकसान होगा। उन्होंने इस बात को समझ करके हमारे बीच अगर आया तो मुझे विश्वास है कि वह हमारी मांगों को पूरा कराएंगे। उन्हीं के आश्वासन पर, उन पर विश्वास रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास करते हुए मैं अपना अनशन माननीय सांसद द्वारा तोड़वाया गया, मैं अपना अनशन आज तोड़ा हूँ, अपना अनशन आज स्थगित किया हूँ। मैं इस पे विश्वास करते हुए कि मेरी मांग पूरी होगी मैंने अपना अनशन समाप्त किया। अगर भविष्य में आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे रणनीति फिर हमारी रहेगी, हम हड़ताल और धरना करेंगे सारे कर्मचारियों के साथ विधानसभा का। क्या इसका असर 2019 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? 1 लाख कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी हैं, हमको और सरकार को सबको पता है कि 1 लाख कर्मचारी जिसने हमारे विरोध में आ जाएंगे निश्चित है कि हमारा नुकसान। आज के क्रमिक अनशन पे कहां कहां से लोग आकर के यहां? हमारे 3 मंडल के पदाधिकारी थे, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, 3 मंडल के हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी थे। और फिर कल भी हमारा लगा था, अनवरत लगा था, लेकिन आज मैं मैसेज कर रहा हूँ कि अपना ये धरना स्थगित कर रहा हूँ। ये बताइए, शासन प्रशासन से कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? शासन प्रशासन से तो आश्वासन मिल ही रहा था, आज भी मिला, कल भी मिला, लेकिन हम उस पर तैयार नहीं थे। माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए थे, मुझे विश्वास है 2019 का चुनाव दिखाई दे रहा है, उनको सांसद का चुनाव लड़ना है, तो मुझसे जो भी वादा किए हैं वो झूठा नहीं निकलेगा। थैंक यू।